झारखंड में मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। झारखंड के डुमरी में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 सितंबर को डुमरी में होने वाले मतदान के लिए 17 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। लिहाजा झारखंड का सत्तारूढ़ महागठबंधन अपने उम्मीदवार बेबी देवी के नामांकन के लिए एकजुट होकर पर्चा दाखिल करने की तैयारी में जुटा है। वहीं विपक्षी एनडीए गठबंधन अभी तक अपना उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाया है, वो भी तब जब देश के 7 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को 2024 के महासंग्राम का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इंडिया की बेबी देवी नामांकन के लिए तैयार, एनडीए का अभी तक तय नहीं हुआ उम्मीदवार, डुमरी में बजेगा किसका डंका। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के देहांत से खाली हुई डुमरी विधानसभा सीट बहुत अहम है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में डुमरी उपचुनाव सत्ताधारी दलों के गठबंधन इंडिया और विपक्षी एनडीए के लिए फाइनल से पहले वाला वो टेस्ट है जिसमें जीत की इबारत लिखने वाले को फाइनल के लिए जरूरी मोटिवेशन मिलेगा। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए डुमरी सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि ये उसकी परंपरागत सीट है। तभी तो इस सीट के लिए उम्मीदवार चुनने में पार्टी नेतृत्व ने बिल्कुल देर नहीं लगाई और पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को आगे कर दिया। अब 17 अगस्त को बेबी देवी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत गठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी में पर्चा दाखिल करेंगी। इसका फैसला रांची में मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन की बैठक में किया गया। इसके साथ ही बैठक में चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति भी बनाई गई। डुमरी उपचुनाव में जीत को लेकर इंडिया गठबंधन आश्वस्त नजर आ रहा है। पहली जीत हम लोग जो है डुमरी चुनाव हम लोग देना चाहते हैं और ये जीत जो है जगन्नाथ जो जी जो जीत कर गए उसको भी इंडिया की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि दिया जाए। देखिए, इंडिया जो भी हम लोग अलायंस बना है उसके तहत जो भी यहाँ पार्टी है, चाहे जदयू है, राजद है, कांग्रेस है, जेएमएम है, सीपीआईएम है, आप है, तो सब हम लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलके तय हुआ है कि दमखम के साथ चुनाव लड़ना है। हम लोग उपचुनाव जीत रहे हैं, बस इतना ही कहेंगे, बाकी आप हमारे प्रवक्ता से पूछ लेंगे, लेकिन हम लोग उपचुनाव जीत रहे हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारे कैंडिडेट को, महागठबंधन और टीम इंडिया की टीम को। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए के तमाम, इंडिया के तमाम घटक दलों के साथ प्रदेश स्तर पर एक बैठक हुई, जिस बैठक में आगामी डुमरी विधानसभा चुनाव में बड़े मतों के अंतर से एनडीए को पराजित करने का विमर्श किया गया। जहां डुमरी विधानसभा सीट जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी के लिए यह पहला चुनाव है जिसमें उन्हें अपने आप को साबित करना है। लेकिन अभी तक एनडीए ने उम्मीदवार की घोषणा न कर विरोधियों को मानसिक बढ़त दे रखी है। संभव है कि बीजेपी अभी तक यह तय नहीं कर पा रही हो कि डुमरी से वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या अपने सहयोगी आजसू के प्रत्याशी पर दांव लगाएगी, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था और बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। डुमरी उपचुनाव को लेकर जेएमएम हड़बड़ी में है, उसे पता है कि जो यहाँ की जनता है, आदिवासी मूलवासी जनता, उसका आक्रोश का उन्हें सामना करना पड़ेगा और वो सहानुभूति पर भारी पड़ने वाला है। और जहाँ तक एनडीए की बात है तो हमारे यहाँ भी सब कुछ तय हो गया है, बस अतिशीघ्र जो उम्मीदवार है उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। अब विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन आंकड़ों की माने तो 1980 से लेकर 2019 तक 9 विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने यहां पर 6 बार जीत हासिल की है। वहीं 2005 से लेकर 2019 तक के चुनाव की बात करें तो लगातार 4 बार जेएमएम की ओर से जगन्नाथ महतो ने डुमरी का प्रतिनिधित्व किया है। कोई दूसरे दल के लोग जीत पाए हैं वहां? कितना मजबूत जनाधार है हमारी पार्टी का। और उसके बाद जो ये 3.5 वर्षों का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, इसमें लोगों को लगा, झारखंड के माटी पुत्रों को लगा कि कोई हमारा रहनुमा है। नहीं, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी हो या आसू हो,
अब पहले ये तो फैसला कर ले कि दोनों में से चुनाव लड़ेगा कौन। आपको बता दें कि डुमरी के लिए जहां 5 सितंबर को मतदान होगा, वहीं 8 सितंबर को मतगणना की तारीख तय है। उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। 21 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,